महाराष्ट्र की सरकार पुलिस के द्वारा या अन्य अफसरों के द्वारा किस पर कार्रवाई करती है, किसी का रातों रात घर तोड़ देती है, किसी को गिरफ्तार करती है, तो वह पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी यदि शिवसेना नेता के घर ईडी का नोटिस भेजती है तो वह बदले की भावना, ये किस प्रकार का इनका दोहरा मापदंड है? यानी आप करो वह चीज पारदर्शी, और केंद्र की जांच एजेंसी यदि नोटिस भी भेजती है वो बदले की भावना। इस प्रकार से ढोल दोनों तरफ से बजाने का आपको अधिकार नहीं है। जांच एजेंसी प्रामाणिकता के साथ, पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रही है, उसे आपको सहयोग करना होगा। और जांच एजेंसियों को सियासत के साथ जोड़ने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना, कांग्रेस या राष्ट्रवादी दल न करे। पीएमसी बैंक घोटाले के संबंध में संजय राउत जी के परिवार को ईडी ने नोटिस भेजा ऐसा कहा जाता है। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपका, आपके परिवार का कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था क्या? क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास से इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या, यह बात भी जनता के सामने रखे। 10 लाख लोगों के पैसे पीएमसी बैंक में फंसे हुए हैं, पीएमसी बैंक पुनर्जीवित होने चाहिए, ऐसे हमारे प्रयत्न है। उसी प्रकार से उनके लाभार्थी की भी इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए।